आपकी फर्स्ट रैली है केपी की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान के तमाम टॉप ड्राइवर जो टर्न आउट है दैट इज़ एक्सेलेंट, जिनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ये जब जाएंगे बाहर तो ये हमारा यहाँ के एम्बेसडर्स बन के जाएंगे, तो टूरिज्म डेफिनेटली कल्चर भी होगा, स्पोर्ट्स भी होगा, इंशाल्लाह दिस एरिया विल अगेन कम ऑन द टूरिज्म मैप ऑफ द कंट्री इंशाल्लाह। थैंक यू सर। रहमान रहीम जी, मेरा नाम सुल्तान बहादुर अजीज़ है और मैं टीम सुल्तान की तरफ से जो फर्स्ट डेरा जात रैली हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और हमारी टीम से या फोर पार्टिसिपेंट्स हैं, मेन साहबजादा सुल्तान साहब हैं जो ए प्रिपेयर्ड कैटेगरी में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे, फिर साहबजादा फ़ख्र सुल्तान साहब हैं वो बी स्टॉक में हैं और मैं स्टॉक में हूँ, और एक हमारे रेसर हैं जो मलिक बाबर एजाज वो सी स्टॉक में पार्टिसिपेट करेंगे। आज क्वालिफाइंग राउंड है, क्वालिफाइंग अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी ट्रैक से जो कि चुलिस्तान में क्वालिफाइंग होते हैं या थल में झल मक्सी में, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, टर्न्स भी काफ़ी हैं और स्लाइड्स हैं बहुत ज़्यादा, तो लेकिन क्वालिफाइंग इतना मैटर नहीं करता, रेस डे आपकी मेन है। मेरा नाम आरिफ अल्ला है और मैं डिप्टी कमिश्नर डी खान के तौर पे अपने फराइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ यहाँ पे। आज जहाँ पे हम इकट्ठे हुए ये डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज के हवाले से आज पहला दिन है जिसको हम क्वालिफाइंग राउंड कहते हैं, जिसमें तकरीबन 65 गाड़ियाँ इसमें हिस्सा ले रही हैं जो प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए लोग आएंगे इसमें। इस वक्त हमारे पास जो ट्रैक है उसकी लंबाई वैसे इनिशियली 170 किलोमीटर थी, जो कि यार एक इंटरचेंज से लेकर अब्दुल खलील इंटरचेंज के दाएं और बाएं तरफ ज़िगज़ैग कंडीशन में मौजूद थी, लेकिन फिर बारिशों की वजह से हमें ट्रैक महदूद करना पड़ा। अब हमारा ट्रैक है तकरीबन 118 किलोमीटर। ये महकमा सियाहत खेल और सकाफत की तरफ से ये फाइनेंस एक्टिविटी जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की खुद कोलेबोरेशन हुई है, और इसमें पाकिस्तान भर से नादर मक्सी साहब हैं, सदर सुल्तान साहब हैं, हमारी खवातीन रेसर हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो हमारे सिंध से, बलूचिस्तान से, हर जगह से हमारे पास लोग आए हुए, पंजाब से। टूरिज्म डिपार्टमेंट केपी ने यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया और एक हेल्दी एक्टिविटी है कोरोना के स्टेंस माहौल में, तो उस हवाले से बताइएगा पार्टिसिपेंट है ट्रैक और यहाँ पे क्या इमेज जाएगा फीमेल्स की पार्टिसिपेशन का, वो भी आप सभी अपना नाम बताइए और मैडम बात करेगा हमारे साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों का शुक्रिया आप लोगों ने मौका दिया। मेरा नाम जमील आसिफ है और इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। डेरा जात का ये और केपी का ये एक पहला वेंचर है 4x4 रेस का। ट्रैक के हवाले से मैं बात करूँ तो ओवरऑल ट्रैक बहुत अच्छा है, मगर हैंडलिंग वाला ट्रैक, लॉन्ग स्ट्रेचेस जो हैं, रनिंग वाले स्ट्रेचेस जो हैं वो नस्बतन कम है, बट सारा हैंडलिंग है इंशाल्लाह ताला, गाड़ी को बचा के जाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी मंजिल पे भी पहुँचाएगा। दूसरा ये बहुत प्रॉमिसिंग है केपी के लिए, खासकर जो हमारी कमिश्नर साहब की टीम और फ्रंटियर 4x4 का बाबर खान की प्रेजिडेंटशिप में ये जो एक इन्होंने कोलैबोरेशन की है और जितना इन लोगों ने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है और वो अभी से नज़र आ रहे हैं, और जो आपने वेमेन के बात की है इमेज की कि क्या जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि ये सेहतमंद वेमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है ना, ये सेहतमंद वेमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पे आए मस्बत है, अपने स्किल्स जो है वो शेयर करें और अपनी स्किल्स दिखाएं, इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इमेज, वो जो नेगेटिव इमेज है वो उसको ख़त्म करेगा, कम करेगा। और बाकी इस इवेंट के लिए हम सब लोगों की दुआएं हैं, हम पूरे पाकिस्तान से आए हैं, एक टीम वर्क है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसमें खैर और बरकत डाले और कामयाबी पेश करता। थैंक यू।